पीपल, वेलकम बैक टू ब्लश विद निकी। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। एंड मैंने काफ़ी टाइम से कोई वीडियो पोस्ट नहीं की, तो मैंने सोचा कि मैंने पर्पल से कुछ सामान मंगवाया है, तो मैं क्यों ना एक उस पर हॉल कर दूँ, पर्पल हॉल। जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूँ, पर्पल एक शॉपिंग साइट है जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन, नायका, यहाँ पे ब्यूटी प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो इफ़ यू आर फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम तो आपको पता होगा कि मैंने इंस्टा पे एक पोल भी डाला था नायका और पर्पल का। तो जो पर्पल था उसको थोड़े से कम्फर्ट मिले थे नायका से। तो एक्चुअली क्या हुआ कि मेरा नायका का जो सामान था वो अभी तक सारा आया नहीं है, लेकिन पर्पल से मुझे जितना मंगवाना था सारा आ गया। तो मैंने सोचा पहले मैं पर्पल हॉल कर दूँ, बाद में नायका हॉल हो जाएगा। तो ये एक स्किन केयर का हॉल है, तो स्किन केयर में मैंने ऑलमोस्ट गुड वाइब्स के प्रोडक्ट मंगवाए हैं, क्योंकि गुड वाइब्स के बारे में मैंने काफ़ी सुना है कि ये अच्छा है और इट्स क्वाइट अफोर्डेबल ऑल्सो। तो मैंने सोचा मैं इसको ट्राई करके देखूँ, तो मैंने गुड वाइब्स के प्रोडक्ट मंगवा लिए। मैं ट्राई करने के बाद, यूज़ करने के बाद इसका रिव्यू पे भी एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर अपडेट्स। स्किन केयर में जो हमारा पहला प्रोडक्ट है मैंने मंगवाया है वो है फेस सीरम। मैंने गुड वाइब्स से ये 3 फेस सीरम मंगवाए हैं। फर्स्ट वन इज टी ट्री एंड पपाया ऑयल कंट्रोल सीरम। एक्चुअली मेरी स्किन काफी ऑयली हो जाती है समर्स में, विंटर्स में भी हो जाती है, विंटर्स में कभी कभी होती है, लेकिन समर्स में बहुत ही ज्यादा ऑयली हो जाती है, एक्सट्रीम ऑयली। तो मैंने ये अपने लिए मंगवाया है और यू कैन सी इस पे ड्रॉपर, इसके ये ड्रॉपर इसके साथ आया था, और सीरम आप ड्रॉपर से इजीली यूज़ होता है, तो ये ड्रॉपर इसके साथ ही आया था। इसके ऊपर अदरवाइज दूसरा कैप था, वो मैंने पता नहीं कहाँ पे, मैं ऐसे ही घुमा देती हूँ चीज़ों को, नहीं पता लगता मुझे, वो कैप गुम हो गया क्योंकि अब उसकी ज़रूरत ही नहीं थी ना, ड्रॉपर है ना। एनीवे, सेकेंड वन इज ग्रेप सीड स्किन टाइटनिंग फेशियल ऑयल। ये स्किन टाइटनिंग फेशियल ऑयल मैंने अपनी मम्मा के लिए मंगवाया है। ओ, इसमें कैप है, ये वाला कैप आया था इसके साथ में, और ये ड्रॉपर है लगाने के लिए। तो ये मम्मा ने भी यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है, अभी देखते हैं इनके रिजल्ट्स कैसे आते हैं, तो फिर मैं आपको इन पर एक रिव्यू वीडियो भी दूंगी कि ये काम करते हैं कि नहीं करते। एंड द थर्ड वन इज रोज हिप रेडियंट ग्लो फेस सीरम। ये मैंने अभी तक खोला नहीं है, स्टार्ट नहीं किया, ये एक्चुअली मैंने मेकअप से पहले यूज़ करने के लिए मंगवाया है। ये मैंने सुना है इसके बारे में, तो काफ़ी सुना है कि ये स्किन को ग्लोइंग करता है, तो लेट्स सी कि ये काम करेगा कि नहीं करेगा या फिर वेस्ट जाएगा ऐसे। और इनका जो प्राइस है वो मैं आपको मैंशन कर दूंगी, मेरे को याद नहीं है मैंने कितने में मंगवाया है। एक्चुअली अभी पर्पल पे तो अभी सेल भी चल रही है, क्रिसमस सेल चल रही है, आई थिंक 40% ऑफ वाली, तो आपको ये जो प्रिंट रेट है उससे कम मिल जाएगा। इसका प्रिंट रेट लाइक 215 है, तो उससे कम में मिल जाएंगे, और आपको गिफ्ट्स भी मिल रहे हैं साथ में। आप इतने की शॉपिंग करोगे आपको ये फ्री गिफ्ट मिलेगा, तो वो भी मिल रहे हैं। तो यू कैन चेक ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ पर्पल। तो हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है गुड वाइब्स ग्रीन टी ग्लो टनर। ये भी मैंने अभी अभी ओपन किया है, थोड़ी देर पहले ही वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने ये यूज़ किया था। और उसके बाद मैंने 2 शीट मास्क भी मंगवाए हैं, एक तो है गुड वाइब्स का टी ट्री क्लींजिंग शीट मास्क, एंड द सेकंड वन ये मैंने यूज़ कर लिया आज, मैंने ये यूज़ कर लिया, पर्पल का ये है, ये वाला कीप काम एंड एक्सफोलिएट चारकोल शीट मास्क है, ये मैंने यूज़ कर लिया। ये मैंने फिर भी रखा हुआ है क्योंकि इसमें जो एक्स्ट्रा सीरम बचा है ना वो यूज़ कर लूँगी मैं, जो क्योंकि वो ये जो शीट मास्क निकालने के बाद भी ना काफ़ी सीरम रह जाता है इसमें, तो वो वेस्ट क्यों करना है ना, तो मैंने सोचा मैं ये लगा लूँगी। आप उनको जो अगर आप उसी टाइम पे यूज़ करना चाहते हो ना उस सीरम को, आप अपने आर्म्स पे हैंड्स पे भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मुझे फेस पे यूज़ करना था तो मैंने ये छोड़ दिया। एंड नेक्स्ट मैंने ये 2 बॉडी लोशन मंगवाए हैं, मॉइस्चराइजर बॉडी लोशन आप जो भी बोलते हो। ये है गुड वाइब्स का वनीला अल्ट्रा नोरिशिंग बॉडी लोशन। इसके मैंने रिव्यू देखे थे, इसकी मैंने सुना फ्रेग्रेंस भी काफ़ी अच्छी है, ये मैंने खोला नहीं है अभी तक, यू कैन सी ये मैंने खोला नहीं है, इसकी फ्रेग्रेंस भी काफ़ी अच्छी है, और ये स्किन को मॉइस्चराइज भी रखता है विंटर्स में, ये तो जरूरी होता है ना, विंटर्स में तो चाहिए ही होता है, तो मैंने सोचा ये ट्राई करके देख लूँ मैं। सेकेंड वन इज एसेंशियल, सबके घर में होता है, सबके घर में होता है क्योंकि ये सभी लगाते होते हैं घर में ये, तो मैंने ये मंगवा लिया वैसलीन हेल्थी वाइट, एक्चुअली हेल्थी ब्राइट। ओके,
इस हॉल का जो लास्ट प्रोडक्ट है वो है ये लिवॉन सीरम, लिवॉन फॉर ड्राई एंड अनरूली हेयर। मैंने लिवॉन के बारे में सुना काफी है लेकिन मैंने कभी यूज नहीं किया। मैंने स्टिक्स का सीरम यूज किया है, उसके अलावा कोई सीरम नहीं यूज किया, वरना मैं कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल ये चीजें लगाती हूँ और हेयर मास्क लगाती हूँ घर पे बने हुए। मैंने कभी सीरम वगैरह यूज नहीं किया। मैंने आज यूज किया भी था, मैंने स्टार्ट कर दिया यूज करना। इसकी ऐसे छोटी सी बोतल मंगवाई है मैंने, ज्यादा बड़ी नहीं मंगवाई क्योंकि मुझे लगा मैंने ट्राई करके देखना चाहिए ना पहले, वर्क करता है नहीं, पर जो भी कहो इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ही अच्छी है तो मैंने ये छुटकू सी क्यूट सी बोतल मंगवाई है। ये सारे प्रोडक्ट थे जो मैंने पर्पल से मंगवाए हैं और इन सभी का मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां पे जाके चेक कर लेना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।